कक्षा 10 विषय हिंदी मुख्य पाठ पुस्तक क्षितिज में पाठ संख्या 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का 2 कविता पढ़ना था। उत्साह और अट नहीं रही है दोनों का सारांश समझा दिए हैं, उत्साह का प्रश्न उत्तर भी समझा चुके हैं। अब अट नहीं रही है का प्रश्न उत्तर समझाना है। तो पहला प्रश्न है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य करना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है लिखें। छायावाद में यथार्थ का चित्रण है, प्रकृति के माध्यम से मानव मन को चित्रित करना मानवीकरण तथा करना छायावाद की विशेषता है। प्रकृति के माध्यम से मानव मन को चित्रित करना मानवीकरण करना छायावाद की प्रमुख विशेषता है। फागुन की महीना में सांस लेना, घर घर में सुगंध भर देना मन की प्रसन्नता की ओर संकेत करता है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, साथ ही प्रकृति के साथ इतनी आत्मीयता है कि प्रकृति के सौंदर्य दर्शन से अपनी दृष्टि नहीं हटा पाता है, वह सौंदर्य दर्शन से तृप्त नहीं होता है। कवि ने इस प्रकार कहा है, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। इस प्रकार संपूर्ण कविता में फागुन की प्रसन्नता, बसंत ऋतु की प्रसन्नता मानव मन के रूप में चित्रित हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। तो फागुन की प्रकृति प्रायः सभी को दर्शन लाभ कराती है, ऐसा कौन सा हृदय जन हो सकता है जो प्रकृति के सौंदर्य से अभिभूत न हो। फागुन में बसंत का यौवन मादकता है, प्रफुल्लता है, अतः सहृदय जन आकर्षित हुए बिना नहीं रहता है। कवि सहृदय जन के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी है, वह प्रकृति का सूक्ष्मदर्शी है, वह प्रकृति में अपनी रुचि के अनुसार सुंदरता ढूंढ लेता है। इस कारण कवि फागुन की सुंदरता से अपनी आँख चाहते हुए भी नहीं हटा पाता है। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया गया है। इसकी उत्तर इस प्रकार लिखी जा सकती है, प्रस्तुत कविता अट नहीं रही है प्रकृति की व्यापकता का वर्णन कवि ने निम्न रूपों में किया है। पहला, फागुन के प्राकृतिक सौंदर्य का प्रभाव सर्वत्र व्याप्त है, जिसे विविध रंग के नव पल्लवों पुष्पों के रूप में पेड़ों पर देखा जा सकता है। दूसरा, फागुन की प्रकृति का प्रभाव मनुष्य के मन पर देखा जा सकता है, कभी तो प्रकृति के सौंदर्य से इतना प्रभावित है कि वो प्रकृति के दर्शन से तृप्त नहीं हो पा रहा है। तीसरा, फागुन का इतना प्रभाव है कि सर्वत्र उल्लास और उत्साह दिखाई देता है, प्रफुल्लता ही प्रफुल्लता दिखाई देती है। चौथा, फागुन की इतनी अतिशय शोभा है कि कहीं भी नहीं समा रही है। चौथा प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। फागुन में बसंत का आगमन होता है, पतझड़ के कारण पेड़ जो स्नेहहीन उदासीन से खड़े रहते हैं अनमने रहते हैं, वे सभी नव पल्लवित पुष्पित हो उठते हैं। पर्यावरण स्वयं प्रफुल्लित हो उठता है, प्रकृति संकृत हो उठती है, रूठी कोयल मधुर गान करने लगती है। इस तरह फागुन में उत्साह होता है, ऐसा अन्य ऋतुओं में नहीं होता है। कभी ठिठुरन होती है तो कभी गर्मी का ताप संतप्त करता है, तो कभी पतझड़ के कारण पेड़ सेवाहीन होते हैं। पांचवा प्रश्न है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य सौंदर्य की विशेषता लिखे। निराला के काव्य में काव्य शिल्प
यह सौंदर्य निराला की कविताओं में दूसरों से भिन्नता है। उनका शब्द चयन ऐसा अनूठा है कि एक एक शब्द में पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति होती है। प्रकृति चित्रण में जीवंतता है, उत्साह और अर्थ नहीं है, दोनों कविता में मानवीकरण है। कभी उत्साह कविता में बादल को संबोधित करता है, बादल गर्जो घेर घेर घोर गगन धराधर हो। इसी प्रकार अट नहीं रही है कविता में कवि फागुन से वार्ता कर रहा है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। तीसरा, प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है, यह छायावादी कविता की परंपरा रही है कि प्रतीक शब्दों के प्रयोग से भावों को रसमय गूढ़ बना देना। चौथा, तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक करते हैं। इस प्रकार पाठ 5 निराला जी के दोनों कविताओं का प्रश्न उत्तर हो गया। अगले दिन दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे।